नमस्कार दोस्तों, अपनी पोस्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में कई ऐसे सितारे हैं जो किराए के मकान में रहते हैं। आज हम आपको उन्हीं में से एक सितारे के बारे में बताएंगे। फिल्म इंडस्ट्री में अपने एक्टिंग के दम पर अपनी शख्सियत बनाने वाले नवाजुद्दीन सिद्दीकी को कौन नहीं जानता। उनकी एक्टिंग के बहुत लोग कायल हैं और उनके द्वारा की गई फिल्में लोगों को बेहद पसंद आती हैं। 19 मई 1974 को पैदा हुए नवाजुद्दीन सिद्दीकी 46 वर्ष के हो चुके हैं और आपको बता दें कि उनका जन्म बुधाना मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। वह मुंबई में आए और उसके बाद उन्होंने स्ट्रगल करने के बाद फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई, लेकिन आज के समय में भी वह अपना मकान नहीं खरीद पाए हैं और किराए के मकान पर रहते हैं। इसके बाबत उनसे जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि मैं बहुत खुश हूं कि मैं इस घर में रहता हूं और मुझे घर खरीदने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अपने गांव से बेहद प्रेम करने वाले नवाजुद्दीन सिद्दीकी कई बार गांव में खेती करते हुए भी देखे जाते हैं और वह इसका वीडियो अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक हैंडल पर डालते रहते हैं। आपको बता दें कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने कई फिल्मों में छोटे रोल किए, जैसे कि सरफरोश, जंगल, राजकुमार हिरानी की मुन्ना भाई एमबीबीएस और ना जाने कितनी फिल्में। उसके बाद उन्हें सबसे ज्यादा तवज्जो मिली गैंग्स ऑफ वस्सेपुर से और उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने कई फिल्मों में काम किया है जो लोगों को बेहद पसंद आई। अब बात करते हैं कि वह जिस घर में रहते हैं उसका किराया कितना है। तो आपको बता दें कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी जिस घर में रहते हैं उसका किराया करीबन 4 से 5 लाख रुपए महीना है और मुंबई में पॉश इलाकों में इससे सस्ते में घर मिलते भी नहीं है। हम आशा करते हैं ये जानकारी आपको रोचक लगी होगी और आप इसे अपने मित्रों के साथ अवश्य शेयर करेंगे। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल बटन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।